वेलकम टू माँ का खाना। आज हम बना रहे हैं लौकी का बिना मसाले वाली भुजिया। चलिए बना लेते हैं बिना मसाले वाली भुजिया। लौकी के भुजिया बनाने के लिए हमने आधा लौकी लिया है, चार हमने लाल सूखा मिर्च लिया है, एक चम्मच नमक, आधा चम्मच जीरा। अभी हम लौकी को छिलकर काट लेते हैं, फिर छौंक लगा देंगे। से हम काट लेंगे पूरा। अभी सारे कट गया है, अब मैं छौंक लगा लेती हूँ। अब हम इसमें जीरा डाल देंगे, अब हम इसमें मिर्च भी डाल देंगे। नमक डाल देते हैं, नमक हम अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसे हम मिक्स करके गैस स्लो करके ढक कर रख देंगे। इसे भी ढक के और रख देंगे, इसमें से पानी छूटना चाहिए, फिर खाने में अच्छा स्वाद आता है। बिना मसाले के हम बना रहे हैं भुजिया। थोड़ा भी और हम इसे पकाएंगे, अभी अच्छी तरह से गला नहीं है और पानी भी ज़्यादा छूटा नहीं है इसमें। अभी इसे हम फिर से ढक के रख देंगे। अब ये हो चुका है, अब हम गैस बंद कर देते हैं। अब इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। लौकी की भुजिया बिना मसाले वाली बनके तैयार है, गर्मा गर्म। इसे रोटी से खाइए, पराठे से खाइए, दाल चावल के साथ खाइए, काफ़ी अच्छा लगता है और हेल्दी भी है। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।